हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई और गुजरात के बीच होगी आज कांटे की टक्कर। दोस्तों चेन्नई और गुजरात के मैचों में नए कप्तान गिल और गायकवाड़ की होगी परीक्षा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और कौन सी टीम आज जीतेगी, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना IPL के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच आज ये होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों में से दो नए कप्तान सुमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व कौशल की परीक्षा होगी। दोस्तों इन दोनों सलामी बल्लेबाजों को अपनी कलात्मक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है दोस्तों, लेकिन यहां उनके रणनीतिक कौशल पर भी सभी का ध्यान टिका होगा। दोस्तों दोनों टीम अपना पहला मैच जीतकर एक दूसरे का सामना करेंगी और उनका लक्ष्य जीत की लय बरकरार रखना होगा। दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने IPL से ठीक पहले गायकवाड़ को कप्तानी सौंप दी है। उन्होंने रॉयल चैलेंज बैंगलोर RCB के खिलाफ अपने नेतृत्व कौशल का अच्छा परिचय दिया था। दोस्तों हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस से जुड़ने के बाद कप्तानी संभालने वाले गिल ने भी अपने पूर्व कप्तान के सामने इस नए भूमिका में अच्छा प्रदर्शन किया था और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों गिल अभी 24 वर्ष के हैं और IPL में सबसे कम उम्र के कप्तान माने जाते हैं। दोस्तों रणनीति कौशल में माहिर मुख्य कोच आशीष नेहरा तथा अनुभवी डेविड मिलर और केन विलियमसन की मौजूदगी में उनका काम आसान हो जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ गायकवाड़ को करिश्माई धोनी का साथ मिलता रहता है। दोस्तों गायकवाड़ की अगुवाई में चेन्नई ने पहले मैच में RCB को 6 विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। दोस्तों चेन्नई ने पिछले मैच में तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने काफी रन लुटाए थे, उन्हें टीम में अपना स्थान बरकरार रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि शार्दुल ठाकुर और मुकेश कुमार अंतिम एक दशा में जगह बनाने में प्रबल दावेदार हैं। दोस्तों चेन्नई के लिए अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुजफ्फर रहमान ने अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों चेन्नई का पहले बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ टाइटंस को अगर मैच जीतना है तो उसके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मुंबई के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत की और बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। दोस्तों उसके बल्लेबाजों ने हालांकि अच्छा प्रदर्शन किया जिससे टीम मैच जीतने में सफल रही। तो दोस्तों क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11? गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 सुमर गिल कप्तान, रिद्धिमान साहा, केन विलियमसन, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, शाहरुख खान, राहुल तिवरिया, राशिद खान, स्पेसर जॉनसन, मोहित शर्मा, उमेश यादव। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की संभावित प्लेइंग 11 रचिन रविंदर, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, अजय किराणे, डेरियल मिचेल, शिवम दुबे, रविंदर जडेजा, एमएस धोनी, विकेटकीपर मोइन अली, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, मुकेश चौधरी। दोस्तों ये दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे चेन्नई के IM चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे और दोस्तों यहां पर चेन्नई जीतेगी, चेन्नई फिर मारेगी बाजी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार कौन सी टीम जीतेगी 7वां मुकाबला, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना IPL के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।